नमस्कार, मैं आंचल, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। रामनगर में मोटे मुनाफे के लिए क्षेत्र में बाग बगीचे उजाड़े जा रहे हैं। हिम्मतपुर ब्लॉक में आम के 31 पेड़ काटे जाने से हड़कंप मच गया। बगीचे के अवैध कटान में मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है। सूचना पर संबंधित अधिकारियों ने मौके मुआयना कर जांच की। नेशनल हाईवे स्थित हिम्मतपुर ब्लॉक में कॉलोनी के लिए भू माफिया ने बिना अनुमति के 31 आम के हरे पेड़ जड़ काट दिए। सूचना पर उद्यान विभाग के अधिकारी अर्जुन सिंह परवाल व पटवारी रंजना आर्य ने मौका मुआयना कर जांच शुरू की। तहसीलदार कुलदीप पांडेय ने पेड़ों के अवैध कटान के मामले में कहा कि काशीपुर निवासी प्रमोद कुमार के नाम से अभिलेखों में दर्ज भूमि में कॉलोनी विकसित करने के उद्देश्य से बिना अनुमति लिए 31 आम के हरे पेड़ों को काटा गया है। उक्त प्रकरण में नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम साहब द्वारा यह जांच करने हेतु निर्देशित किया है कि हिम्मतपुर ब्लॉक में कुछ पेड़ों का कटान हुआ है अवैध रूप से, तो वहां जाकर जब जांच की गई, साथ में उद्यान विभाग को भी लिया गया, कंसर्निंग राजस्व उपनिरीक्षक भी मेरे साथ है, तो मौके पर देखा गया कि वहां पर आम के 31 पेड़ कटे हुए हैं, जिसके संबंध में कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं मिला, तो यह अभी तक ज्ञात नहीं हुआ कि वो परमिशन वैध है अवैध है, और जहाँ तक संभव है उसमें कोई किसी प्रकार की परमिशन अभी तक है नहीं, क्योंकि उद्यान विभाग ने अपनी तरफ से मना ही करी है। उपरोक्त में एक संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित कर एजेंट्स आपको भेजी जाएगी, जिसमें यदि उसमें किसी प्रकार की अवैध प्लॉटिंग की जाएगी तो उसमें रोक लगाई जाएगी, और साथ ही उसमें जो पेड़ काटेगा उसमें नियमानुसार उद्यान विभाग के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की। किसका भी अभी एग्जैक्टली मुझे नाम तो याद नहीं है, पर प्राइवेट श्रेणी एक कॉकी लैंड है और बताया कि वो कहीं काशीपुर रहता है। रामनगर में राष्ट्रीय स्तर के आरटीआई कार्यकर्ता अजीम खान ने कहा कि उनके द्वारा 22 वर्षों से शासन से घोषित फल पट्टी क्षेत्र व पर्यावरण को बचाने के लिए आवाज उड़ाई जा रही है। कई बार भू माफियाओं ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। हिम्मतपुर ब्लॉक में कॉलोनी विकसित करने के उद्देश्य से काटे गए 31 आम के हरे पेड़ों की निंदा की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से 31 पेड़ों के काटने के मामले में कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम एनडी तिवारी ने आम लीची के बगीचों का कटान रोकने के लिए कुछ गांवों को फल पट्टी क्षेत्र घोषित किए थे, लेकिन रामनगर क्षेत्र में भू माफिया सारे कानून ताक में रखकर सरकार के पर्यावरण संरक्षण व फल पट्टी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां भू माफियाओं द्वारा जो है एक बगीचा था हरा भरा, उसको उजाड़ा गया है, तो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय राष्ट्रीय स्तर के आरटीआई कार्यकर्ता अजीम खान जी। तो अजीम खान जी से जानना चाहेंगे, अजीम खान जी, क्या पर्यावरण को आपने मनाने की एक मुहिम छेड़ रखी है और वहीं जो है पर्यावरण को लेकर जो है विभिन्न प्रकार की जो है घोषणाएं होती है सरकार द्वारा, तो क्या धरातल पे इसकी स्थिति है और किस प्रकार से जो है काम किया जा रहा है सरकार द्वारा? और क्योंकि मेरे घर पे मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जा चुकी है, लेकिन ये मामला पर्यावरण से जुड़ा है, मैं इन भू माफिया वन माफियाओं से नहीं डरता हूँ, ये कुछ भी करें, लेकिन मेरी मुहिम जारी रहेगी। लगातार मैं अधिकारियों से और जो संबंधित विभाग है उनको लिखित में आरटीआई के तहत जो भी कुछ हो सकता है मुझसे करता हूं, और काफ़ी बगीचों में मैं सक्षम भी हो चुका हूं। कई चीज़ें जो हैं अब सख्ती कर दी है शासन ने, रेरा के तहत बनेगी कॉलोनी जो भी बनेगी, नन्ना तनी बनेगी, तो थोड़ा सा बदलाव तो आ रहा है, लेकिन ये इस तरह के जो भू माफिया वन माफिया हैं जहाँ पर आप मौके पर खड़े देख रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहा है। ये जो भी पेड़ काटने वाले हैं भू माफिया वन माफिया, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और मैं शासन से मांग करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और FIR दर्ज हो इस मामले में। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।